नशा मुक्ति केंद्रां दे कर्मचारियों का कहना है कि वह इस तो पहला दो बार सरकार के अगे अपनी मंगा रख चुके हैं। उन्होंने आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र च वड्डी गिनती च पीड़ित आउंदे हन, कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होंदा, इत्थे तक कि उन्होंने कोल पीपीई किटां भी नहीं हन अते उन्हां दा बीमा भी नहीं है। सरकार तो उन्हां दी सोसाइटियां दे अधीन डीसी दे दायरे च करन दी मंग है, जदके मौजूदा समें च उह 9000 रुपए प्रति महीने दे कम कर रहे हन अते कई लोग 28000 रुपया महीना लै रहे हन। जद तक उन्हां दी मंगा नहीं मन्नी जांदी है उद तक उह हड़ताल ते रहणगे। दूजे पासे नशा मुक्ति केंद्र च आउण वाले नशा पीड़ितां दा कहना है कि पहलां पुलिस इत्थे तक नहीं पहुंचण दिंदी अते हुण इत्थे हड़ताल है, हुण उह कित्थे जाण। हाँ जी, असी नशा छड़ाऊ मुलाजम यूनियन तो अज स्ट्राइक ते बैठे हुए हैं। पूरे पंजाब दे विच साडी कलम छोट स्ट्राइक चल रही है अणमिथे समय लई। साडियां जो जायज़ मंगा हैगियां थोड़ी जिहियां 3-4 मंगा असी 16-4-2020 ते 25-4-2020 नूं वी सरकार नूं इंटीमेशन भेज के सारे उच्च अधिकारियों असी अपने मंग पत्र भेजे से भी साडियां मंगा ते गौर की जाए, पर सरकार वालों साढ़े ते कोई गौर नहीं की गई, ता करके सानू हड़ताल ते बैठना पिया मजबूरन। तुसी देख सकते हो किन्ने पेशेंट आ इत्थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं गी, कोई साढ़े कोले पीपी किट नहीं, फिर भी असी इन्नी रिस्क दे विच ड्यूटी कर रहे हैं कि पता किसी के मूँह ते नहीं लिखा कोई नैगेटिव है कि पॉजिटिव है, ना साडे लई कोई हैल्थ इंश्योरेंस है। 10-10 हज़ार रुपया तनखा सरकार वालों साडा मुलाजमान का एक हिसाब नाल शोषण किया जा रहा, पोस्ट ग्रैजुएशन इन्नी इन डिग्रियां करके बंदा 9000 लै रहा, सरकार नूं थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए है। इसलिए असीं सरकार नूं मंग करते हैं भी साडी हड़ताल उन्ना टाइम जारी रहेगी जिन्ना चिर साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। साडियां जायज़ मंगा भी सानूं एक तां जिहड़े आउटसोर्सिंग मुलाजम उन्हां नूं सोसाइटियां अधीन करके डी असीं रैगूलर भी नहीं कह रहे डीसीआं अधीन करके ते उन्हां दीआं सैलरियां बराबर कीतियां जाण। एक बंदा उही तनखाह वाला 9000 लई जांदा, एक बंदा उही तनखाह वाला 28000 लई जांदा, इस तरह ना बर्दाश्त नहीं करेगी यूनियन का यह फैसला भी जदों तक सरकार ही साडियां मंगां नहीं मन लैंदी उदों तक ये नशा छड़ाऊ केंद्र पूरे पंजाब च बंद रहणगे। दवाई लैन जाने पुलिस वाले रास्ते रोक लेने इत्थे आने इन्हां दी हड़ताल यार कित्थे जाइए फिर यार पहलां जा साडियां फाइलां ना बनाने यार ਕਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਯਾਰ। ਬੁਲੰਦ ਟੀਵੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।